जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जिसका नाम है टैक्स इनवॉइस। दोस्तों आपने भी कभी ना कभी इसका नाम सुना होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ये टैक्स इनवॉइस क्या होता है, टैक्स इनवॉइस का इस्तेमाल कहाँ पर और कैसे किया जाता है, और इस टैक्स इनवॉइस की आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वर्ड है टैक्स इनवॉइस, ये बेसिकली दो शब्द हैं। पहला है टैक्स और दूसरा है इनवॉइस। टैक्स का मतलब आज हम सभी जानते हैं कि जो टैक्स हम सरकार को पे करते हैं, फिर चाहे वो किसी सामान की खरीदी पर पे करना हो या फिर हम जो कमाई करते हैं, जो इनकम करते हैं, उस पर टैक्स पे करना हो। दूसरा जो वर्ड है इसमें, जो शब्द है दूसरा, वो है इनवॉइस। इनवॉइस का सीधा सा मतलब होता है बिल। यानी कि मान के चलिए आपने कोई सामान कहीं से खरीदा, किसी स्टोर से खरीदा, किसी मॉल से खरीदा, किसी बड़ी दुकान से खरीदा, तो वो जो सामान आप खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट में जो आप सामान खरीदते हैं उसके लिए एक बिल बनाया जाता है। उस बिल पर ये लिखा जाता है कि आपने कौन सा सामान खरीदा, कि आपने क्या-क्या खरीदा, वो सारी डिटेल्स उस पर लिखी जाती हैं, उसकी क्या कीमत थी वो लिखी जाती है, कब आपने खरीदा, उसकी डेट क्या थी, ये सारी चीजें उस बिल पर लिखी होती हैं, जिसको हम टैक्सेशन के जो मीनिंग है उसमें हम कहते हैं इनवॉइस। अब दोस्तों जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं टैक्स इनवॉइस, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा बिल जिसके अंदर आपको टैक्स इंक्लूडेड हो, यानी कि उस बिल के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ हो, उसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। दोस्तों टैक्स इनवॉइस की दो मुख्य पहचान होती हैं। पहला तो उस पर यह लिखा होता है कि ये टैक्स इनवॉइस है, यानी कि ये पूरी लाइन नहीं, खाली टैक्स इनवॉइस उस पर लिखा होता है। दूसरा, वहां पर उसके अंदर आपको किसी ना किसी तरीके का जो टैक्स है वो लिखा दिखाई दे जाएगा। नॉर्मली जो GST इंक्लूड रहती है वो आपको दिखाई देती है। GST में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे IGST हो गया, CGST हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो GST से इंक्लूडेड रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो वहां पर आपको लिखे दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टैक्स इनवॉइस होता है इसके अंदर कुछ ऐसी मुख्य जानकारियाँ होती हैं जो कि हर टैक्स इनवॉइस में कॉमन आपको दिखाई देंगी। उसमें सबसे पहला है कि पार्टी का नाम, जहाँ से भी वो टैक्स इनवॉइस क्रिएट हुआ है उस पार्टी का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम क्या है, वो वहाँ पर लिखा आपको दिखाई दे जाएगा। दूसरा, यहाँ पर वो किस डेट में क्रिएट हुआ, यानी कि किस दिन उस टैक्स इनवॉइस को बनाया गया है, उस दिन डेट क्या थी, ये आपको दिखाई देगा। तीसरा, उसका एड्रेस क्या है, यानी कि अगर वो टैक्स इनवॉइस क्रिएट हुआ है तो वो कहाँ से हुआ है, किस एड्रेस से हुआ है। अगर कोई माल सप्लाई हो रहा है उसका टैक्स इनवॉइस बना है तो कहाँ से कहाँ तक माल जाएगा, वो एड्रेस क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो एक टैक्स इनवॉइस नंबर होता है, यानी जैसे आपका बिल नंबर होता है उसी तरीके से टैक्स इनवॉइस नंबर होता है। इसके बाद जो उस गुड्स या सर्विसेज वहां पर खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, जो भी सामान खरीदा गया है, उस सामान की पूरी जानकारी वहां पर रहती है कि क्या सामान था, उसके अंदर कुछ खाने का सामान था, कुछ कपड़े थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम था, वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन रहती हैं कि वो सामान कितना था, उसकी क्वांटिटी क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, ये सारी चीजें गुड्स डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पर दिखाई दे जाती हैं। इसके अलावा वहां पर आपको दोस्तों जो टैक्स से रिलेटेड डिटेल्स होती है कि उस सामान पर कितना टैक्स लगाया गया है, ये चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती हैं। और लास्ट में यहां पर जो भी जो सेलर है, जो सामान को बेच रहा है या सप्लाई कर रहा है, उसकी जो साइन है, जो स्टैंप है उसकी बिजनेस का, वो वहां पर आपको दिखाई देता है। तो ये बहुत ही कॉमन सी जानकारियां हैं जो किसी भी टैक्स इनवॉइस के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टैक्स इनवॉइस होता है इसको हर कोई व्यक्ति नहीं बना सकता, इसको सिर्फ वही व्यक्ति बना सकता है जो कि टैक्सेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो, यानी कि उसके पास GST रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी तरह से कोई गलत टैक्स इनवॉइस बनाते हैं तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि इसके लिए फिर आपको जो फाइन है वो पेनल्टी के तौर पर यहाँ पर 10,000 से लेके 25,000 तक का फाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आप एक गलत टैक्स इनवॉइस बनाते हैं। तो दोस्तों ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट इस टैक्स इनवॉइस का, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्सेशन के अंदर टैक्स इनवॉइस क्या होता है, इसकी क्या जरूरत होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।